हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं पटना का ये मरीन ड्राइव पर, और अभी हम लोग आ चुके हैं हंगरी में, जो कि कम समय में मटना का आधा से ज़्यादा मार्केटिंग को कवर कर चुके हैं अपने मटन और चिकन से, और साथ में लच्छा पराठा जो कि इनका डिमांडेबल रहता है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं क्या कैसे कैसे यहाँ पे व्यवस्था है, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ देख सकते भैया, अभी लच्छा पराठा सेक रहे ना भैया। ये लच्छा पराठा है जी, साथ में चिकन साथ में मटन भी मिलेगा, दो दो का कॉम्बिनेशन है। मन वैसे ही तो लच्छा पराठा वैसे आप तैयार कैसे करते हैं? लच्छा पराठा तैयार करते हैं, मैदा रहता है जी, थोड़ा आटा रहता है, दूध रहता है, दूध भी रहता है, हाँ दही रहता है, चीनी रहता है, अच्छा नमक रहता है, जमाइन रहता है, मंगरेला रहता है, ये सब को मिला करके तैयार जाता है। हाँ यही तैयार कर दिया घर लाइव लाइव, कभी भी 12 बजे से आकर के देख सकते हैं। अच्छा लाइव जी, कोई गड़बड़ी नहीं है ना? नहीं। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? मटन मिलता है, चिकन मिलता है जी, चिकन दम बिरयानी मिलेगा आपको। अच्छा तीन चीज़ मिलता है ना। वैसे आपका यहाँ डिमांडेबल क्या रहता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मटन का, मटन का डिमांड यहाँ सब ज़्यादा है ना, मटन और चिकन। वैसे आपका आज भीड़ बहुत कम लग रहा है? वैसे आज भीड़ कम लग रहा है, मार्केट तो ऐसे गंगा जी बढ़ गया था तो ये सब डूबा हुआ था धीरे धीरे। हाँ जी, दशहरा में तो चलने के लिए जगह भी नहीं रहेगा। हाँ ये तो है। तो चलिए थोड़ा आप अपना मटन और चिकन दिखाइए, देख लीजिए। तो चलिएगा, ये देखिए इनका चिकन बन के रखा हुआ है। ओहो हो, तो अभी कितना चिकन है भैया? ये चिकन 10 किलो है। 10 kg आज कम बनाए या इतना ही बनाते हैं? नहीं, मार्केट के अनुसार बनाते हैं। मार्केट और जब 10 किलो खाने लायक रहेगा तो 10 किलो खिलाएंगे, 15 किलो खाने लायक रहेगा तो 15 किलो खिलाएंगे। मतलब बनते रहता है ना? हाँ बनते रहता है। तो अभी कितना सेलिंग हुआ है, निकल गया है? अभी तो शुरू ही हुआ है, तो अभी काट ही किया ना। चलिएगा, ये देखिए भैया का चिकन बन के रखा हुआ है। ये 10 kg चिकन है, तो ये सब मतलब कस्टमर के हिसाब से ये काम करते हैं। तो ये देखिए चिकन का रोगन आपको देख सकते हैं क्या खुल के आया हुआ है रोगन, तेल देखिए जिसको होते हैं। ओहो ये देखिए, और चिकन का पीस की बात करें तो ये देखिए एक पीस चिकन का देखिए इतना बड़ा बड़ा, और ग्रेवी का थिकनेस भी देखिए काफ़ी बेहतरीन है। वाह, जैसे इनका ये ढक्कन आटा इतना ही खुल के सुगंध दिए हैं भैया, कुछ स्पेशल डाल के बनाते हैं क्या इसमें? स्पेशल कुछ नहीं, सब बाजार का मसाला, स्पेशल तो अपना बनाया जाता है। अच्छा हाथ का बनाया बनाया क्या जाता है वो, कि अपना हुनर होना चाहिए अपना हाथ का। हाँ ये तो है, मसाला तो सब बाजार का रहता है, अपना कुछ नहीं है, अंदाज अपना होना चाहिए, अंदाज अपना। वाह, चलिए इनका मटन देखते हैं। वाह कितना मटन होगा भैया अभी का लमसम? ये 3 किलो है। 3 kg है मटन। वैसे यहाँ का ज़्यादा डिमांड है लेकिन मटन कम बना है, इसलिए कि अभी पीताम्बरा चल रहा है, एक पर्व चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा उसके वजह से ना? नहीं भैया, भीड़ बहुत रहता है भैया यहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा, जब खपत होने लगेगा तो बिना ऑर्डर से मतलब इतना भीड़ लगता है कि ऑर्डर करना पड़ता है ना? जी हाँ, ऑर्डर हम लोग तो ऑर्डर करते हैं भैया घर पे, पार्सल भी जाता है। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ मटन का रंगत देखिए आपको कितना बेहतरीन लग रहा होगा। ये देखिए इसका भी रोगन देखिए क्या खुल के आया हुआ है। ये चुस्ता क्या प्राइस होता है भैया? वो चुस्ता देता है मटन वाला जी, और कस्टमर के हिसाब से हम दे देते हैं जो जैसा मांगता है कस्टमर के हिसाब से। जैसे एक प्राइस होता है ना, फिर भी हस्ती का पैसा एक प्राइस रखे हैं हम 100 चुस्ता का। हाँ अच्छा, 100 काट के देते हैं या ऐसे देते हैं? काट कर देंगे लेकिन पूरा देंगे। ये देखिए मटन का आप पीस भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा पीस है यहाँ पे। तो भैया दिन भर में कितना चिकन मटन सेल कर लेते हैं फिर भी? अभी तो 10 किलो चिकन और 3 से 4 किलो मटन खप रहा है दिन भर में। टाइमिंग के में नहीं वही, ये तो 5 बजे से 6 बजे दुकानें स्टार्ट होता है। टाइमिंग आपका 5 बजे से ओपन होता है? टाइमिंग 4 बजे से भी ओपन हो जाएगा जी, कस्टमर आना शुरू होता है 5 बजे से। अच्छा कब तक खुला रहता है? 10-10:30 बजे तक खुला रहेगा। 10-10:30 तक ओपन रहता है, मतलब जब तक माल बच गया तो 10:30, नहीं बचा तो 10 बजे तक। आपको करीब कितना समय लग जाता है ये चिकन या मटन बनाने में? 3 से 4 घंटा। 3-4 घंटा लग जाता है? प्याज वाजे भी काटना पड़ता है, छिलना भी पड़ता है, उसको काटना भी पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है ना। मटन में कितना देर लगता है बनने में? मटन में लगता है 1.5 घंटा, चिकन में एक, चिकन में एक समथिंग इतना देर में रेडी हो जाता है, और उसके रेडी होते साथ खिलाना शुरू। हाँ ये सब कुछ यही बनाते हैं जी, एकदम ऑर्डर दीजिए आपको 5 मिनट के अंदर पूरा एकदम थाली आपके सामने हाजिर हो जाएगा जी। वैसे आप यहीं पे आपका घर है? मेरा घर तो यहीं पे है, गूगल पे है जी। काम तो ऐसे बहुत जगह किया है। अच्छा इससे पहले भी? अच्छा कब से दुकान है आपका वैसे?
ऐसे तो अभी तीन चार महीना हो रहा। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना? नहीं, नया मार्केट बना, अभी तो 6 महीना मार्केट है तो पूरा। दानापुर, सगुना मोड़, सब जगह से हमारे कस्टमर आते हैं लोग ना। हाँ, स्टार्टिंग में जितना सेलिंग था उतना अभी बढ़ रहा है या घट रहा है? सेम ही है। जितना स्टार्टिंग ओपन किया, स्टार्टिंग में तो थोड़ा ज़्यादा था, अभी मार्केट नया खुल रहा है ना, इसको तेज़ी पकड़ने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप भैया यहाँ का प्राइस बता दीजिए एक बार। चिकन का है 2 चिकन 2 लच्छा पराठा 100 का आएगा जी, और मटन है 150 का। अच्छा, उसमें भी 2 मटन आएगा, 2 लच्छा पराठा आएगा। अच्छा, 150। अच्छा, और जो तीसरा आइटम बताए थे वो भी उतना ही है, 100 रुपया का दम बिरयानी है। दम बिरयानी तो चलेगा। यहाँ देख सकते हैं भैया लोग बहुत मज़े से बैठ के यहाँ पे चिकन और मटन खा रहे हैं, क्या भैया? हाँ जी। कैसा लग रहा है टेस्ट? टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी क्या लिए हुए आप? मेरे पास तो अभी मटन है और पराठा है। मटन और पराठा, हाँ। तो टेस्ट बेहतरीन है? हाँ, टेस्ट अच्छा है, सॉफ्ट है। ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम लोग का। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं? हाँ। चारों दोस्त ही हैं? हाँ। फ्रेंड सर्कल में ही? अच्छा, पार्टी करने आए या नॉर्मल घूमने आए? नहीं, घूमने। घूमने आए हैं जी। हाँ, पार्टी तो सुबह ही में कर चुके हैं, लास्ट एग्जाम था अभी। अच्छा, तो आप क्या खा रहे भाई? हम चिकन लिए हुआ और चिकन का टेस्ट भी अच्छा ही है, और बाकी पराठा तो सेम ही रहेगा। टाइम ही आए होंगे? हाँ, मतलब ग्रुप ही पूरा फर्स्ट टाइम पे। क्या बोले थे, एग्जाम खत्म हुआ है? अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है जी, तो इसलिए आए हैं। करने आए हैं एग्जाम? पार्टी तो सुबह ही में कर चुके हैं। अच्छा, अभी आफ्टर पार्टी चल रहा है। पार्टी है? हाँ। वाह। वैसे भैया, जैसा कि आप बताएं यहाँ पे कि 4 मंथ से ही मतलब ये दुकान खुला है, तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले गाड़ी चलाते थे। अच्छा। और उससे पहले लगन वाला काम करते थे, खाना पीना बनाना हो शादी ब्याह में जी, वो भी करते थे। तो इसका आइडिया कब से आया, कैसे आया आपको ये सब आइडिया? तो बहुत दिन से हमको, 10 साल से। अच्छा, तो फिर इतना भटक कर रहे थे इधर उधर? भटक रहे थे, कुछ अभी तक भटक रहे हैं, यहाँ भी भटक किए रहे हैं। मतलब अभी प्रॉपर आपको लेकिन जॉब नहीं मिला है ना, इसमें भी आपको मन नहीं लग रहा है? कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। इसमें भी आपको लेकिन दिल नहीं लग रहा है? नहीं। लेकिन अपने दिनचर्या के लिए काम कर रहे हैं ना? बस दाल रोटी अभी चल रहा है, खाने का मतलब है। तो चलिए हम भी अपना प्लेट लगा। तो इंसान कुछ खा नहीं सकता, कमाइएगा तभी खाइएगा। तो चलिए हम भी अपने लिए यहाँ प्लेट लगवाते हैं और बताते हैं यहाँ का टेस्ट। फाइनली हम लोग का प्लेट लग गया है। कम से कम अभी 1 घंटा लाइट कटा हुआ था, 1 घंटा हम लोग बैठ के इंतजार किए कि लाइट आए तो हम लोग बनाए, क्योंकि यहाँ भैया के पास लाइट भी नहीं था। देखिए कितना अच्छा सजाए हुए हैं, बस यही लाइट था। चलिए आपको दिखाते हैं अपना प्लेट, आइए। ये देखिए हम लोग का लच्छा पराठा 2 आ गया, जो कि 10 का एक पीस है, कॉम्बिनेशन प्याज। ये देखिए इनका चिकन, ओ भाई साहब, ये देखिए 100 रुपया का ये पूरा प्लेट हो गया। देखिए चिकन की बात करें, देखिए कितना बड़ा बड़ा पीस है, और देखिए चिकन कितना अच्छा से सीझा हुआ है। देखिए ओहो, फर्स्ट टाइम पटना का चिकन ट्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए एक बाइट आ गया, ये आ गया लच्छा पराठा, ओ गर्मा गर्म करते हैं टेस्ट। ये आ गया, ये आ गया गर्मा गर्म, ये आ गया बाइट, ये करते हैं। ख़त्म कर देता हूँ आपको, बताते बहुत शानदार सा टेस्ट लग रहा है। तो गाइस यहाँ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जितना इनका नाम सुने थे पटना में, मतलब पटना में जो मटन और चिकन के जो फेमस दुकान है उनमें से एक ये दुकान है, जो कि आपको मरीन ड्राइव पे मिल जाएगा, महावीर चौक के पास। इनका मतलब क्या ही तारीफ करें, इतना शानदार सा चिकन बनाए हुए हैं। क्या करते हैं, इनका पीस ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। चलिए ये देखिए आ गया इनका पीस, ये आ गया पीस, करते हैं ट्राई लच्छा पराठा के दम, इसके साथ ही ट्राई करते हैं। डायरेक्ट तो चिकन घर में भी खाते हैं, तो वैसे चिकन जैसा स्वाद आएगा, करते हैं इसके साथ टेस्ट। चलिए गाइस यहाँ का पीस भी हम लोग ट्राई किए, बहुत ही शानदार यहाँ का पीस भी लगा, अच्छा सीझा हुआ है, तो अब रहा भी नहीं जा रहा। आप अगर कभी यहाँ पे खाना चाहते हैं तो एक बार मरीन ड्राइव यहाँ पे हंगरी नाम से इनका स्टॉल है, यहाँ पे आके जरूर खाइए पटना में। तो करते हैं वीडियो को यहीं समाप्त, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अब जल्दी से इस प्लेट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि लच्छा पराठा साथ में है तो फिर खाने का मज़ा ही अलग रहता है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।